खबर रीवा से है, जहां व्यापारी संघ न्यास बाजार सिरमौर चौक का क्रमिक अनशन गत दिवस 18 दिसंबर 2022 से जारी है। उक्त विरोध उमेश मिश्रा, ब्रजवासी प्रसाद तिवारी और सूर्यपाल गुप्ता के नेतृत्व में 178 व्यापारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे से सुभाष चौक की ओर बनने वाले फ्लाईओवर के चलते सिरमौर चौराहे से सुभाष चौक की इन 178 दुकानों को हटाया जाना है, जिसके चलते व्यापारी अपना रोजगार बंद होने के डर से मांग कर रहे हैं कि उनकी दुकानों को या तो यथा स्थान रखा जाए या पीछे रिक्त जमीन के स्थान पर बना कर दिया जाए। व्यापारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, विधायक और सभी आला अधिकारियों के सामने न्याय गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि शासकीय जमीन का बंदरबांट करने के लिए सिर्फ कागजों में प्रोजेक्ट दिखाकर बेचा जा रहा है। अब हद तो यह हो गई कि सिरमौर चौराहे से सुभाष चौक की ओर बनने वाले फ्लाईओवर के नक्शे और अन्य लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं व्यापारियों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। मांगे ये हैं कि हमारी दुकानें सिरमौर चौराहे की जो हैं, यहाँ चौराहे से लेकर सुभाष चौक तक की 178 दुकानें, हमारे 178 व्यापारी हैं और इन व्यापारियों का ये सूचना मिली है, कोई लिखित में तो कहीं कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नक्शा मांगने गए सुधार न्यास नगर निगम कलेक्टर साहब से निवेदन किया तो कहते हैं कि इसका कोई कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो और उसका मैप ना हो तो बताइए ऐसे प्रोजेक्ट को क्या मानेंगे आप? आप देख लीजिए कलेक्ट्रेट, माने खुल लीजिए रीवा की जमीन बेचने के बाद कलेक्ट्रेट बनाया, कलेक्ट्रेट में आप लोगों ने देखा होगा दरारें आ गई आज एक माने दो साल नहीं पूछे। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ रीवा की विरासत में एक जमीन भर थी और उस जमीन को कौड़ी के भाव बेच के फिर उसको लाखों रुपए कमाए थे, या इस तरीके का कृतकारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कृतकारित करेंगे तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, माने मजदूर हैं, व्यवसायी हैं, ठेला वाले हैं, सब्जी वाले हैं, टेम्पो वाले, टैक्सी वाले, अभी बताइए 1 करोड़ रुपए अभी 2 महीने पहले लगाए इन सब्जी वालों के लिए, ये बनाया टेम्पो टैक्सी वालों के लिए वहाँ बनाया और फिर आज अब इसको तोड़ के नस्ता नाबूद कर रहे हैं। यहाँ अभी फुग्गा फुग्गी टांगे यातायात बनाए, DIG ADG विधायक मंत्री आए, नाश्ता पानी किए और चले गए, उसको देख लीजिए क्या हाल है, तोड़ के बराबर कर दिए। आप लोगों ने स्थानीय विधायक से मिला? हम स्थानीय विधायक से दो बार मिले, महापौर से मिले, नगर निगम आयुक्त से मिले, कलेक्टर से मिले, कमिश्नर से मिले, सुधार न्यास के उपायुक्त से मिले, आश्वासन मिला। माननीय हमारे विधायक जी ने कहा कि हम 2 दिन बाद कलेक्टर से बात करके आप लोगों की बातों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को उन बात से अवगत कराएंगे, बशर्ते 2 दिन क्या आज 1 माह बीत गया किसी भी तरीके की कोई वार्तालाप का संदेश तक नहीं दिया गया, बात करने की सामने बैठ के दूर रहिए। ब्रिजवासी प्रसाद तिवारी, की 178 दुकानें सिरमौर रोड पे बनी हुई है और 2042 तक इनका लीज है, इन दुकानों को गिराकर और यहाँ समदरिया माल बनने वाला है। ये छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं, अपनी रोजी रोटी या अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी रीवा की शासकीय जमीनें 19 वर्षों से बेच रहे हैं। अब उनकी निगाह सिरमौर चौराहे के इस ओर है, सिरमौर रोड की जो दुकानें हैं 178 दुकानें हैं पूरा पश्चिम में, डाकघर से और आपका सुभाष चौक तक। अभी हम लोगों ने 2 बार विधायक जी से संपर्क किया, कलेक्टर से किया, कमिश्नर से किया, महापौर से, उपायुक्त हाउसिंग बोर्ड से, कि इन गरीबों को हटाकर आप यहाँ समदरिया का शोरूम और माल न बनावें, क्योंकि रोजी रोटी का साधन ये छोटे छोटे गरीब दुकानदारों की दुकानें ही हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम आपको पीछे दुकान बना के दे रहे हैं। आप देखिए 3 मार्केट फेल हैं आपके, रानीगंज हो गया नगर निगम के सामने, इंदिरा मार्केट आपका अस्पताल चौक पे बना हुआ है धोबिया टंकी मार्ग पे, वहाँ भी दुकानें बनी हैं, सामने दुकानें चलती हैं, पीछे सब खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह आपका जब शिल्पी प्लाजा बना तो हेमू कलानी से साईं बाबा मंदिर, वो भी आज तक आवंटन नहीं हुआ, जब अनशन होता है तो 2 बार जूस पिला के विधायक जी अनशन खत्म कर लेते हैं। अब उनकी निगाहें हैं सिरमौर चौक पे 178 दुकानों पे। तो हमारा निवेदन ये है कि आपको फ्लाईओवर बनाना है तो 10 ऑलरेडी जगह रिक्त है पीछे, आप 10-15 मीटर इसको पीछे कर दीजिए, आप फ्लाईओवर बना लीजिए। अगर आपको शोरूम या माल ही बनाना है तो सिविल लाइन आपका मार्ग जाता है पीछे से,
उसको आप चौड़ा कर लीजिए, शोरूम और आपका जो आपका माल बनने वाला है उसका द्वार पश्चिम तरफ कर लीजिए। जहाँ भी शोरूम माल बन जाता है वहाँ लेडी जनता जाती है, कोई जरूरी नहीं कि सिरमौर रोड की तरफ ही मुंह करेंगे तभी माल बने चलेगा। एक सौ अठहत्तर दुकानें हैं, उस पर आप जोड़ लीजिए चार छः छः लोगों के परिवार रहते हैं तो कम से कम हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी तो 18 से शुरू हुआ, आज 7वां दिन है, जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी। अभी क्रमिक अनशन होगा, सार्वजनिक सभाएं होंगी, क्योंकि हम लोगों के पास कोई और कोई चारा नहीं है। जब कोई नहीं सुनता तो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर अपन लोग धरना क्रमिक अनशन करते हैं। नाम बता दीजिए। राजेश मिश्रा व्यापारी संघ के संरक्षक हैं और हमारे अध्यक्ष मृजवासी तिवारी जी, आप भी थोड़े दो शब्द बोलेंगे।